फिल्म वेलकम, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं टुडेज न्यूज, जहां पर आपका होता है फिल्म इंडस्ट्री से डायरेक्ट कनेक्शन। ऋतिक रोशन की क्रिश को लेकर सामने आई एक बड़ी खबर। दरअसल भारतीय सुपरहीरो के बारे में जब हम सोचते हैं तो सबसे पहले जो नाम दिमाग में आता है वो है ऋतिक रोशन, जिन्होंने क्रिश के किरदार में जान फूकी थी। क्रिश फ्रेंचाइजी बिना किसी शक के देश की सबसे पसंदीदा और सफल सुपरहीरो फ्रेंचाइजी है, और पॉपुलैरिटी है उसके, उसमें भारत की पेशकश की हर चीज के लिए एक बेंचमार्क सेट करती है। दरअसल ऋतिक ने अपने सोशल मीडिया पर इस सुपरहीरो क्लासिक के 15 साल पूरे होने के मौके पर एक छोटा सा वीडियो जारी किया, जिसमें क्रिश को हवा में अपने लेजेंडरी मास्क को उड़ाते हुए देखा जा सकता है। बता दें कि क्रिश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ट्रेंड सेटर थी और इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा में कई सारे प्रथम स्थान स्थापित किए हैं, जैसे कि देश में विजुअल इफेक्ट्स के लिए सुनहरा रास्ता बनाने से लेकर कभी ना देखी गई लोकेशंस पर शूट करने वाली ये पहली फिल्म थी। ये फिल्म 15 साल का जश्न मना रही है। और हम आपको ये भी बता दें कि फिल्म से जुड़ी एक दिलचस्प बातें बता दें कि क्रिश भारत का पहला सुपर हीरो था। इस बात के लिए राकेश रोशन को जितना श्रेय दिया जाए उतना कम है। राकेश रोशन का मानना है कि इस फिल्म ने हॉलीवुड फिल्मों से टक्कर ली थी और सुपरमैन स्पाइडरमैन की तरह भारत को भी अपना सुपर हीरो मिल गया। फिल्म पर जब काम शुरू हुआ तो राकेश रोशन ने फिल्म का गाना रखा क्या जादू किया। वो चाहते थे कि इस फिल्म को जादू की पॉपुलैरिटी से फायदा मिले। हालांकि लोग इस फिल्म के पहले सीन से ही जादू के आने का इंतजार करने लगे थे। इसके बाद फिल्म का गाना रखा गया तुम कोई तुम सा नहीं, मगर आखिरकार फिल्म का नाम क्रिश तय किया गया और आगे चलकर इस फ्रेंचाइजी को क्रिश सीरीज के ही नाम से दर्शकों ने प्यार दिया। फैंस फिल्म के चौथे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो अगर आप भी एक्साइटेड है इसके चौथे पार्ट के लिए तो प्लीज आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।